द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मेट ऑन 1 and 2 January 2021 एंड मेड रिकमेंडेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ COVID-19 वायरस वैक्सीन ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मेसर्स भारत बायोटेक एज वेल एज Phase 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड. द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी कंसिस्ट ऑफ डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ पल्मोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन एटसेट्रा. मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे हैज प्रेजेंटेड अ रिकॉम्बिनेंट चिंपांजी एडिनोवायरस वेक्टर कोविशील्ड इनकोडिंग द सार्स कोवी टू स्पाइक एस ग्लाइकोप्रोटीन विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी. द फर्म सबमिटेड सेफ्टी इम्यूनोजेनेसिटी एंड एफिकेसी डाटा जनरेटेड ऑन 23,745 पार्टिसिपेंट्स एजेड मोर देन और इक्वल टू 18 ईयर्स और ओल्डर from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct phase 2/phase 3 clinical trial on 1600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. Sir, iska side effects bhi bahut bataye ja rahe hain sir, ye sahi hai kya? Na. Dekho, ek baat pe pura aap sure rahiye. Haan. Kisi mein bhi safety ka concern hoga, thoda bhi concern hoga, to hum usko kabhi approve nahi karenge. Kul mila ke ye safe hai? Safe hai. Of course, 110%. 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे अलर्ट छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है. लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है. If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.